बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो हम जा रहे हैं काल मेगा मार्ट, क्योंकि हमें कुछ कुछ सामान लेना है। बहुत दिन से हम लोग बाहर नहीं निकले थे, मतलब कि बाहर तो निकले थे, उस दिन भी हम लोग गए थे ना शॉपिंग करने के लिए काल मेगा मार्ट में। एंड लुक एट हर, ये जो है ओरियो पे वीडियोस बनाना नहीं छूटे मुझे। ओह माय गॉड, पहले से पहले क्या हो गया, हम लोग खाना नहीं खाया सुबह से, तो अभी जो है कुछ खाऊंगी एंड उसके बाद ही जो है मार्केट जाएंगे। क्या खाओगी? छोला कुलचा, मुझे जो बिल्कुल भी पसंद नहीं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। विश्वास होने के काबिल में नहीं है कि सारा कुर्ती 179 का आ रहा है। ऑल कुर्ती इज 179 कुर्ती काफी अच्छा है। एंड दिस टॉप्स इज ओनली फॉर रुपीज 59.60। यो घर में पहनने के लिए बहुत सही है। सीरियसली मैं यहाँ का कलेक्शन काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, एंड बिलीव भी हो रहा है सच अ लो प्राइस में। एंड मुझे ये कुर्तीज भी काफ़ी अच्छे लगे। ये कुर्ती आपको जो है 200 मतलब 199 का कुर्ती थी, ये मुझे अच्छा लगा। एंड दैट वन, एंड ये ग्रीन वाला भी, ओके ये ग्रीन वाला भी। सो देखती हूँ क्या खरीदते हैं। सो गाइज, हम लोग रूम पे आ गए हैं एंड हमने सोचा था कि कैंपस जाएंगे, बिकॉज आज हमारी छुट्टी हो गई थी तो ऐसे ही बैठ के आएंगे, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। मौसम से जाते जाते टाइम बहुत ही ज़्यादा अच्छा वेदर था, बट जैसे हम लोग पहुँचे, इंटर किए मॉल में, विशाल गए थे आई थिंक, हाँ विशाल गए थे, तब ही उसके बाद से आपको धूप निकल गई एंड सामान बहुत ज़्यादा हैवी वगैरह हो गया था। तो हम लोग सीधा रूम पे आ गए एंड मैंने एक कुर्ती लिया है आपको 199 का कुर्ती, जो मैंने आपको दिखाया था बहुत ज़्यादा ऑफर में है, तो मैंने 199 वाला कुर्ती लिया था, एक बहुत ही ज़्यादा प्यार गाइस। तो अभी दोपहर का टाइम है एंड कल ऐसे ही हम लोग कोई ब्लॉगिंग आगे करेंगे, क्योंकि ऐसा हो जा रहा है कि जैसे कि दो दिन का एक ब्लॉग आ रहा है, क्योंकि काम कुछ ज़्यादा, या तो कॉलेज हो रहा है या फिर गर्मी इतनी ज़्यादा है कि कुछ कर नहीं सकते। एंड आज मैं बनाने जा रही हूँ खीर, तो खीर बनाने के लिए जो है मैंने 4 लीटर दूध लिया है। एंड दूध को मैंने जो है अच्छी तरीके से बॉयल कर दिया है। एक बड़ी वाली कढ़ाई में जो सिर्फ 3 लीटर आया, एंड जो जिसमें मैं चाय बनाती हूँ उसमें 1 लीटर बॉयल किया है। दूध जो है अच्छे से बॉयल हो चुका है, तो अब जो है खीर बनाना स्टार्ट करूँगी। तब तो मेरे घर के पीछे जो मंदिर है वहाँ पर आप देखो, जूम करके मैं आपको दिखा रही हूँ कि भंडारा चल रहा है। मन तो कर रहा है कि चले जाएँ, लेकिन बस नहीं जा सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है। सो अब जो है चलिए खीर बनाना स्टार्ट करते हैं। चावल मैंने ऐड कर दिए हैं। चावल को मैंने अराउंड 1/2 आवर भिगो के रखा था। यहाँ मैंने डिफरेंट बर्तन में दूध निकाल दिया है। जैसे जैसे खीर को दूध की ज़रूरत होगी वैसे वैसे मैं मिलाते जाऊँगी, जैसे जैसे ठीक होते जाएगा। एंड आपको इन मतलब कि चलाते रहना है कलछी, ताकि जो आपके बर्तन में जो है खीर ना लग जाए। इससे क्या होगा, खीर का टेस्ट जलाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। मेरा खीर जो है वो 80% अराउंड पक चुका है। वेट मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखो, खीर जो है वो 80% अराउंड पक चुका है। एंड अभी मैंने इसमें नारियल का जो है नारियल ऐड किया है। एंड अभी मैं इसमें काजू ऐड करूँगी थोड़ा सा, ताकि काजू भी जो है वो सॉफ्ट हो जाए। एंड इधर मैं बीन्स को फ्राई कर रही हूँ। एंड दोनों आज मेरी फेवरेट बन रही है, खीर भी एंड ये बीन्स भी। तो अभी जो है इसमें मैं काजू ऐड करूँगी। अच्छे से इसे मिला दूंगी। अब मुझे इसमें थोड़ा सा दूध जो है और ऐड करना है, क्योंकि ये थोड़ा थिक होते जा रहा है तो, लेकिन ये पका नहीं है अच्छे से, तो इसलिए थोड़ा सा दूध इसमें और ऐड करूंगी। एंड मैंने इसमें पानी जो है वो बिल्कुल भी ऐड नहीं करा है। ये मलाई वाली दूध जाएगी इसमें, मलाई के गेन इससे मिलाते रहूंगी। फिर इसमें दूध की और रिक्वायरमेंट होगी, जैसे ये पकेगी थोड़ी थिक होगी तो फिर से मैं इसमें दूध ऐड करूंगी। फ्लिपकार्ट में इसका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से अगर आपको लेना है तो
आप परचेज कर सकते हो। बहुत सारे हाई क्वालिटीज़ के भी थे, लाइक 5,000-7,000 ऐसे भी थे, लेकिन मुझे इतना कॉस्टली नहीं खरीदना था, तो मुझे ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो 800 का आया है। तो ये रहा इसका ट्राइपॉड स्टैंड, एंड अभी मैं आप रिंग लाइट खोल रही हूँ, रिंग लाइट पता नहीं कैसा है, नहीं है अच्छा नहीं होगा तो रिटर्न भी हो जाएगा। रिव्यू इसका अच्छा ही था। ये रहा रिंग लाइट, मुझे कुछ पता नहीं, इसको असेंबल करना होगा ना। ये रहा रिंग लाइट, अब जो इसका जो है ये सारे कुछ मोबाइल स्टैंड से, मतलब स्टैंड में भी लगाना होता है। बहुत पहले नहीं खरीदे थे रिंग लाइट 500-600 में, उसके बदला अगर ये खरीदे, इसका क्वालिटी भी है ना अच्छा लग रहा है। देखो ऊपर से देख के कुछ नहीं बता सकते, ऐसे थोड़ी है। चार फिट का। सो मैंने जोड़ दिया, इसे असेंबल कर दिया, इसकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है, अभी इतना ज़्यादा हाइट रखा है हमने, एंड अभी और इसकी हाइट जो है एक्सटेंड हो सकती है, मैं आपको दिखाती हूँ। 6 फीट के अराउंड है ना, ये देखो कितनी है इसकी हाइट, काफ़ी है, मेरी हाइट से ज़्यादा है बस, और क्या चाहिए। तो ये हो गया, एंड काफ़ी अच्छा फ्लेक्सिबल वाला आपको ये मोबाइल स्टैंड भी यहाँ पे है, फ्लेक्सिबल है बहुत ज़्यादा। तो आप जब इसे असेंबल कर रहे हो ना, तो इसे अच्छे से टाइट करके करना, वरना फिटिंग भी नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे स्विचेस ऑन करने का, मैं आपको लाइट ऑन करके दिखाती हूँ। ये रहा फर्स्ट लाइट, एंड यहाँ साइन दिया हुआ है, तो माइनस करो तो लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो कम हो जाएगी, प्लस करो तो ज़्यादा हो जाएगी, जैसा आपको चाहिए। इसलिए यहाँ पे स्विच का ऑप्शन है, इसमें कि आपको कलर स्विच और अगर चाहिए तो आपको मैं दिखाती हूँ कौन कौन से कलर्स हैं इसमें। ये एक कलर, दो कलर और ये तीन कलर्स के ऑप्शन, आप अगर चाहते हो कि इस रेंज में मतलब क्या ही मिल सकता है सही एक रेंज में, तो बेस्ट लगा मुझे अगर आपको परचेज करना, तो आप भी ज़रूर परचेज करना। अब रील लाइफ में वीडियो बनेगी हमारी, सबसे ज़्यादा खुश मेरी रूममेट होगी कि आप रात में भी अच्छी खासी वीडियो को शूट कर सकती है। जैसे वो अभी मेरा वीडियो शूट कर रही थी, तो इतना अच्छा से वीडियो शूट की थी, लेकिन उसने कैमरा ऑन नहीं किया था, बाद में बोलते जहाँ मैंने तो इतना क्लोज था, मैंने कैमरा ही नहीं ऑन किया, तो ये कैसे कर रही है। अच्छा आया ना, तुमको अच्छा लगा? हाँ ना, तो बोलो हाँ। तो वीडियो तो बनेगा रात में, क्या रिंग लाइट तो आज बनेगा वीडियो रिंग लाइट। तो वैसे जब ये रात में वीडियो बनाते दिक्कत होता था, तो अब जो है वो दिक्कत नहीं होगी हम दोनों को। तो अगर आपको परचेज करना है गाइस, तो लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाकर आराम से परचेज कर सकते हो। मैंने ये फ्लिपकार्ट से परचेज किया है, आपको अमेजन वगैरह पर भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से परचेज करना कर सकते हो। मैं फ्लिपकार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। हाँ, ये जो रिंग लाइट है वो मुझे सिर्फ 800 की आई है, 799 की आई है, तो आप मतलब चीप एंड बेस्ट है, अगर ज़्यादा हाई नहीं जाना चाहते तो ये मस्त आप। जितने भी बिगनर्स हैं उनके लिए परफेक्ट है ये लाइट, एंड जो और भी मतलब जो प्रोफेशनल है उनके लिए भी, क्योंकि ये चीफ एंड बेस्ट में बहुत ही अच्छा। सो गाइस, रात का समय है एंड हम अपने यूनिवर्सिटी में हैं, कितना मजा आ रहा है ना। हाँ, बहुत मजा आ रहा है भाई। मोटू का टाइम है 8:30, तो थोड़ा सा टाइम हमारे पास और है टाइम स्पेंड करने को, एंड वो किधर गई, वो उधर है रील्स वगैरह बनाने के लिए, गाना ढूंढ रही है, एंड हम ऐसे ही रोड पे सड़क पे जो है चल के मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आता है। एक्चुअली बात क्या होती है कि हम इसी टाइम को जो है बाद में देख के बहुत ही ज़्यादा याद करेंगे कि हम तीनों ने कैसे टाइम स्पेंड किया। दिल को करार आया, तुझे पे प्यार आया, पहली पहली बार आया, ओ यार पसीना था, नमकीन हो गया। सो ऐसे ही हम लोग घूम रहे हैं, थोड़ा देर के बाद जो है मैं अपने रूम चले जाऊंगी, एंड ये अपने हॉस्टल। बाय गाइस, गुड नाइट। मंदिर आता है कि मंदिर के बाहर बैठी हुई है ऋषिका, क्या कर रही है तू मंदिर के बाहर बैठ के रात में, मतलब शर्म नहीं आती तुझे? एक रुपए से का है तुम्हारे पास है, मैं मांग के लाऊं क्या? है मेरे पास है, मेरे फोन के पीछे है। ठीक है, मैं रुकू, मैं दे रही हूँ ऋषिका, टेंशन मत लो। ये गया हमारा दान, दिखा के आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, अच्छा सर बढ़िया वाला आशीर्वाद। मंदिर के बाहर क्यों खड़ी बैठी हुई, भंडारा खाने के लिए भूखी हो? सुबह से अभी तक कितना हो गया आपको, कितना इनकम हो गया? रोज का 1,00,000 कमा रही है यहाँ बैठ के। मैं रोज 1,00,000 कमाती हूँ। क्या करती इतना पैसा, मिंत्रा से शॉपिंग जा रहा है, चनम गुची स्नेल किसे? ये बात विचार में, थोड़ा मुझे भी पीएचडी में एडमिशन दिला देना।
तो दिलाओगी ना जब खरीद लोगी तो? ये सब गाड़ी आप ही का है क्या? ये सब गाड़ी जो क्रॉस कर रहे हैं, इतना स्किल कैसे लाते हैं भीख मांग के इतना कुछ करने का? रैकेटिंग चलता है बाइक उठाने का। कौन सा बाइक उठाने का? मुझे बाइक उठाने का ही जो है। देखो अगर आप ये पाबंदी तो बस चाय भी कुछ करोगे, एक एक रुपया, एक रुपये भी देखे जाए, एक एक बूंद से खड़ा भरता है। धन्यवाद। दिन भर में 1 लाख आदमी आ जाता होगा और एक एक रुपया भी दिया तो 1 लाख। सबसे लेती हो? सबसे लेती हैं आप? मतलब कि जो अगर आपको भिक्षा नहीं देता है तो उसको आप क्या करती हैं? लेकिन नहीं माँ जी, भौजी नमस्ते करो। पाँच लागू। तो आज का इंटरव्यू ऋषि का भिखारी का यहीं पे खत्म होता है। आपको जो है टोटल अपना कमाई का 30% GST देना होगा। 1 लाख कमा रही है गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स को। हाँ तो क्या, 1 लाख कमा रही है तो 30% देंगे ना? 30% देंगे तो आपको मतलब 30,000 करीब देना होगा। इंटरव्यू यहीं समाप्त होता है। टाटा बाय बाय बोल दीजिए दर्शकों को। बाय बाय दर्शकों, करना सब्सक्राइब करना मत भूलना और फिर ये मत डालना, ये सब मत डालना। So guys, yeah, मेरा इंटरव्यू खत्म होता है। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।